नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कौशिक आप सबके सामने उपस्थित हूं। आज नांगल चौधरी के थलवास गांव में लोकसभा का चुनाव है और हर तरफ भीड़ का माहौल है। नेताओं की बात करें तो हर तरफ लोग रहे हैं कि भाई हमारे नेता को वोट दो, हमारे नेता को वोट दो। और भीड़ का माहौल आप देखिए कि किस प्रकार का भीड़ का माहौल है। और यहाँ विधायक रावदान सिंह जी पहुंचे हैं, उनको फूलों से तोला गया है। महेंद्रगढ़ विधायक और अभी लोकसभा के प्रत्याशी हमारे साथ है रावदान सिंह जी। समय नहीं है क्यों? क्योंकि गांव बहुत ज्यादा है लोकसभा में। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसा क्या माहौल चल रहा है गांव लगातार, मतलब पूरा का पूरा गांव एक साथ आ रहा है? बस जबरदस्त तरीके से, बहुत जबरदस्त माहौल है। लोगों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे, कांग्रेस को ले आएंगे। ये जो 400 पार कह रहे हो, 400 पार उल्टा तो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल उल्टा होगा, एग्जैक्ट उल्टा होगा। और ये वैसा ही होगा जैसे विधानसभा में उनको हुआ था, उससे भी नीचे जाएगा। अब लगभग कितने गांवों के दौरे लगातार पूरे दिन में चल रहे हैं? अभी तकरीबन 25-30 रहते हैं रोज। 25-30? हाँ जी। मतलब एक लोकतंत्र में मतलब एक अलग सा ही माहौल छा गया है। एक अलग सा माहौल है। लोग 3 महीने पहले जो सोचते थे, आज 3 महीने बाद उल्टा है उसके। मतलब एक तो 3 महीने पहले लोगों को पता ही नहीं था कि कौन चुनाव लड़ेगा, और अब मतलब माहौल ही बदल दिया। बिल्कुल माहौल बदल। क्या कहोगे लोगों को जो इतना प्यार दे? लोगों को यही कहूंगा कि आपकी भावनाएं बनी रहे, आपका आशीर्वाद साथ बना रहे, चुनाव जीते, उसके बाद में इस क्षेत्र में जो जो समस्या है उनका समाधान होगा। हमारे बच्चों का सबसे पहले भविष्य, बेकारी बेरोजगारी ने उनको घेर रखा है, उसको समाधान करने का प्रयास करेंगे। साथ में यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करें, ताकि फौज अकेली या सरकारी नौकरी अकेली सबको नहीं दे सकते, प्राइवेट के अंदर नौकरी जाए और लोगों को साधन मिले रोजगार का, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। महंगाई कम करेंगे, किसानों के लिए जो आपकी MSP है वो घोषित करेंगे और अग्निवीर हटा देंगे। अभी बड़े कार्यक्रम कब होंगे जी? अभी बड़े कार्यक्रम सचिन पायलट जी आ रहे हैं 19 तारीख को 11 बजे अनाज मंडी नांगल चौधरी जी, और राहुल गांधी जी आ रहे हैं 10 बजे चरखी दादरी। ये वोट बैंक फिर और बढ़ सकता है इनके बाद? बढ़ेगा, मतलब रिकॉर्ड तोड़ सकता है। रिकॉर्ड तो आपने तोड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आप देख रहे हैं कि रावदान सिंह जी हमारे साथ थे और इन्होंने बताया कि जो माहौल है वो बदल सा गया है। एक समय था जब पता भी नहीं होता था कि भाई रावदान सिंह चुनाव भी लड़ेगा, लेकिन आज है वो बदल चुका है। अब गांव के लोगों से कुछ बात करेंगे। बाबा राम राम, ताऊ राम राम, माहौल चल रहा है बढ़िया माहौल। कौन सी पार्टी का नहीं? कांग्रेस का नहीं? कांग्रेस का नहीं। अच्छा जी, मतलब एक तरफा सो माहौल है, एक तरफ ही है, एक तरफ है। कितना वोट से गांव में? 3200 के लगभग। फिर अभी तो ज्यादा, लेकिन 3200 के लगभग पोल हुए, 3200 के लगभग पोल होंगे। तो कैसा माहौल रहेगा 3200 में? माहौल बढ़िया सर जी, बढ़िया। कांग्रेस पार्टी की तरफ 2000 वोट पार्टी की तरफ है या रावदान सिंह की तरफ है? पार्टी की तरफ है। धर्मवीर से क्या नाराजगी? अभी सांसद जो थे कदे गांव में आके कौन चल रहा? कभी आए नहीं, कदे आओ ही कोई गांव में कौन आया हुआ? अच्छा जी, 2014 में आयो सो आखिरी बार, और आज होगी 2024। 10 साल हो गई नहीं आया। उसने कभी नांगल चौधरी की शक्ल तक नहीं देखी अभी। अब आया है 2024 में वोट मांगने के लिए, और वो भी कोई वोट मांगने आया था, और जब भी वोट मांगने आया था और अब भी वोट मांगने आया है। और ये इनके जुमले हैं कांग्रेस बीजेपी पार्टी के, ये कहते हैं 400 पार, लेकिन इनकी जब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मंगलसूत्र चुरा लेगी, 2 भैंस हैं तो 1 भैंस चुरा लेगी, ये गांव ये कहना चाहता है बीजेपी पार्टी को कि तुम 400 पार का नारा दे रहे हो तो कांग्रेस पार्टी तुमको तुम्हारी 200 सीट भी चुरा लेगी और बीजेपी आएगी 200 सीटों के ऊपर। ये आज मैं आपसे कहना चाहता हूं। और जो ये बीजेपी वाले कहते हैं, नरेंद्र मोदी 14 तारीख को उसने भाषण दिया है कि मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान की बात करने लग जाऊंगा तो मैं इस देश में रहने लायक नहीं रहूंगा, और 15 तारीख को ही उसने महाराष्ट्र के अंदर भाषण दिया हिंदू मुसलमान का, और ये कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। अगर हिंदू खतरे में होता तो आज अमित शाह गृह मंत्री का लड़का जैसा हिंदुस्तान का BCCI का सेक्रेटरी नहीं होता, अगर हिंदू खतरे में होता तो। जितने अगर देश छोड़कर जो भागे हैं पैसे लेकर, सारे के सारे हिंदू हैं, एक भी उनके अंदर ना तो मुस्लिम है ना कोई और कास्ट का है। और जितने भागे सिर्फ एक आदमी को छोड़कर 36 के से अंदर 35 आदमी सारे गुजरात के हैं। गुजरात के दो व्यक्तियों ने आकर हिंदुस्तान को क्रैप्चर कर लिया, कोई उनके सामने बोलने वाला आज कोई पैदा नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ठीक है। और वो कहते हैं हम और हमारा परिवार, तो वो 2 आदमी हैं और 2 कोई बेच रहे हैं, पूरा देश, अडानी और अम्बानी, ठीक है।
वो दो कोई बेच रहे हैं पूरा देश। आज हिंदुस्तान के अंदर इतिहास उठा के देख लो, हर प्रधानमंत्री ने कोई सरकारी कंपनी लगाई है। 10 साल के अंदर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर आज ये बता दे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक सरकारी कंपनी बता दे जो आज हिंदुस्तान के अंदर बची हो। BSNL था उसको भी बेच दिया, भारत पेट्रोलियम था उसको भी बेच दिया। आज हिंदुस्तान के अंदर मेरे को ये बता दे कि एक सरकारी कंपनी बच रही हो। बुरा हाल कर दिया देश, देश का तो बुरा हाल कर रखा है। वो कहता है मैं तो फकीर, मतलब फकीर हूँ, जोड़ा उठा के चल दूंगा, लेकिन ये जनता जोड़े को भी चेक करेगी। अब जोड़े के अंदर कुछ लेके तो नहीं जा रहा है, इसका पता नहीं। ये सबसे खत्म मतलब की वो है हिंदुस्तान, क्यों इसके तो औलाद है नहीं। ये मंगलसूत्र की गारंटी ले रहा है, 2019 में आया था 40 जवानों को जिसकी हत्या करके रहे ना, 40 महिलाओं के मंगलसूत्र छीन के सत्ता में आया था, ठीक है। ये कह रहा है कि 400 पार का नारा, 400 किलो RDX का, अब तक 400 किलो RDX का पता नहीं लगा पाई बीजेपी पार्टी, अब 400 किलो RDX आया कहां से था पुलवामा हमले में, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, महंगाई बेरोजगार तो सबको ही दिख रहा है, वो तो उनको पता है। आज तक भी एक केंद्र का एक मंत्री बता दे 10 साल के अंदर जो महंगाई या बेरोजगारी के खिलाफ आके भाषण दिया हो कभी भी। अब की बार फिर सरकार बदलाव का माहौल चल रहा है, हम तो चाह रहे हैं कि सरकार बदले और हम तो बदलना चाहते हैं। हाँ, इसलिए दान सिंह जी को वोट, हाँ इसलिए दान सिंह को वोट दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहे हैं। गांव कौन सा आपका? मेरा तो जी है आत्री बिहारीपुर, अच्छा नांगड़ चौधरी नजदीक पड़ोसी, आसपास पड़ोसी पूरे गांव में माहौल है, पूरे नांगड़ चौधरी विधानसभा क्षेत्र में ही माहौल है और पूरे महेंद्रगढ़ भिवानी जिले में ही माहौल है। नांगड़ चौधरी से तो जीत के जाएंगे, नांगड़ चौधरी से कम 75,000 वोट लेंगे राव दान सिंह। हाँ, एक तरफा सा माहौल, हाँ एक तरफा माहौल है। अब ठीक बात सही है भाई, बता रहे हैं बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही भाई बता रहे हो, फिट फिट बताइए। हाँ सारी फिट बात है, महंगाई को ध्यान को दिवस बाद मेन मुद्दों यही है, और कोई नौकरी नहीं निकाले और ये जो है सोरा, अच्छा जी, हाँ बुरा हाल कर क्यों बीजेपी ने, तो भाई बुरा हाल कर दिया है, चोर बाजार के लिए दाखिल नहीं, बुरा हाल कर दिया, बुरा हाल करे चोरा ने सड़ा साहब रिश्वत का खोरा हो रहा है। भाई साहब नांगल चौधरी के गांव थनवास में है और यहां युवा साथी भी कुछ हैं, भाई साहब आप तो गांव गांव घूम रहे होंगे, कैसा माहौल चल रहा है गाँव में? माहौल बढ़िया चल रहा है जी, सब गाँव का बढ़िया रिपोर्ट आ रही है, और हाँ सब जगह हम साथ जा रहे हैं। आज कितने गांव में जा चुके हो? अभी तक मेरे हिसाब से 8 या 9 गांव हो चुके हैं। तो कैसा रिस्पांस गांव का? टोटल 23 गांव का प्रोग्राम आज का। कैसा रिस्पांस गांव? रिस्पांस बहुत बढ़िया मिल रहा है गांव में, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने का मन बना लिया जनता ने, बिल्कुल जोर का माहौल निकाल लेंगे चुनाव नेता, बिल्कुल 1000% चुनाव निकल रहा है जी दान सिंह। कोई एक तरफा सा माहौल लग रहा है, बिल्कुल एक तरफा माहौल है, क्योंकि जनता बीजेपी से बहुत तंग आ चुकी है। नौजवान ही बीजेपी को लाने वाले थे, आज नौजवान ही 10 साल में बड़े परेशान हो गए, बिल्कुल बेरोजगार इतने हो गए कि कोई हद से ज्यादा, अब वो या तो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होंगे क्राइम की तरफ, और कोई रास्ता उनके पास बचा नहीं है। तो इसलिए युवाओं ने इस बार बदलाव का पूरा मन बना लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम गाँव थनवास में है जो नांगल चौधरी में आता है, यहाँ के लोगों की बातचीत सुनी और जो नेता है प्रत्याशी सांसद है रावदान सिंह जी की बातें सुनी। इन्होंने बताया कि बड़ी रैलियों के बारे में, तो इस खबर पे आप कमेंट करके बताएं कि आपकी तरफ की कैसा माहौल है, आपके गांव में किसके वोट ज्यादा है और वो वोट ज्यादा क्यों है, वो बात भी आप जरूर कमेंट करें। भाई धर्मवीर को वोट दे रहे तो क्यों दे रहे हैं, और रावदान सिंह को वोट दे रहे तो क्यों दे रहे हैं, और तीसरा प्रत्याशी राव बहादुर सिंह को वोट देते हैं तो उसका क्या कारण है, तो इस पर कमेंट करके बताएं। और देखते रहें लगातार इंडिया न्यूज 16। नमस्कार, धन्यवाद।